दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंडली शक्ति जागृत से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे को भी ज़रूर दबाएँ। कुंडली शक्ति को जागृत करने से पहले आपको अपने मन से गंदे विचारों और वासनाओं को जड़ से खत्म करना है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि मन से गंदे विचार और वासनाओं को हम कैसे निकाल सकते हैं। मन से गंदे विचारों और इसमें छुपी इच्छाओं को सिर्फ प्राणायाम की मदद से ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम को योग का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसकी मदद से हम अपने अंतःकरण की आसानी से शुद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब ऐसे व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक उसके अंदर की शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। फिर ऐसा साधक किसी भी व्यक्ति के मन की बात को क्षण मात्र में जान लेता है, क्योंकि हमारे मन में भी बहुत सारी शक्तियाँ मौजूद हैं जिसकी मदद से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मन के अंदर जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक यह मोह माया में भटकता रहता है। इसीलिए आप अपने मन में वैराग्य को लाने का अभ्यास करें। इसीलिए आप नित्य सगर्भ प्राणायाम को करें। दोस्तों, अगर आप पीपल के नीचे मन को बस में करने की कोशिश करेंगे तो आप 100% सफल होंगे, क्योंकि पीपल वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास है। कोई भी कर्म अगर पीपल के नीचे किया जाए तो उस कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता है। पीपल के नीचे किया गया ध्यान, जाप, यज्ञ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों, अगर आप कुंडली शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो आपको पीपल के नीचे ही ध्यान लगाना है, जिससे आप आसानी से कुंडली शक्ति को एक्टिवेट कर सकें। दोस्तों, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आप कुंडली शक्ति को एक्टिवेट नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, तब कुंडली शक्ति को जागृत करने की कोशिश करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।